लाल सागर में हूती के बड़े हमले हुए हैं, 3 मालवाहक जहाजों पर ड्रोन मिसाइल हमले। रोजा वेंटेज ड्रीम नाम के जहाज को ध्वस्त कर दिया गया है। और अब अपनी स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु युद्ध की घोषणा कर दी है। पुतिन ने इंटरनेशनल मीडिया के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। यूरोप पर सीधे परमाणु हमले के साथ ही पूरी दुनिया में वेस्टर्न ब्लॉक पर हमलों का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। यूरोप के किस देश पर एटमी हमला किया जाएगा ये भी तय हो चुका है। और रूस के हमले का बढ़ता हुआ खतरा देखकर नाटो ने भी रूस के खिलाफ व्यूह रचना कर दी है। रूस की सीमा पर नाटो के 3 लाख जवान तैनात हैं और महासंग्राम कभी भी शुरू हो सकता है। विश्व युद्ध का ऐलान हो चुका है। रूसी जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कह दिया है कि दुनिया इस भुलावे में न रहे कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर संप्रभुता पर आंच आई तो रूस अपने सभी परमाणु हथियारों के कोड रिलीज करने की नीति बना चुका है। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल को रूस ने अपनी सीमाई अखंडता और संप्रभुता पर खतरे के दायरे में रखा है और अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन इस सीमा को लांघ चुका है। यूक्रेन बेलगरोद पर लगातार यूक्रेनी हथियारों से हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस का एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका है। इसके बाद रूस ने घोषणा कर दी है कि तीसरे विश्व युद्ध की रणभेरी बन चुकी है। रूसी मीडिया ने ऐलान कर दिया है कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्रेमलिन ने नेटो से युद्ध की एक साथ कई रणनीति तैयार की है। पहली रणनीति है यूरोप पर परमाणु हमला। रूसी सांसद आंद्रे गुरुलियोव ने कहा है कि रूस यूरोप पर परमाणु हमले के लिए तैयार है। पहली रणनीति के तहत रूस यूरोपियन यूनियन के एक देश पर परमाणु हमला कर सकता है। टारगेट बनने वाले देश के 4 बड़े शहरों पर हमले की प्लानिंग है। परमाणु हमले से यूरोप के मुख्य ऊर्जा संस्थानों को ध्वस्त करने की रणनीति है। क्रेमलिन ने इस रणनीति को पहले विकल्प के तौर पर प्राथमिकता में रखा है। पहली रणनीति के साथ साथ अमेरिका को पूरी दुनिया में घेरने की रणनीति भी बनाई गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए साफ कहा है कि अमेरिका की रणनीति से ही उसको जवाब दिया जाएगा। रूस की रणनीति है पूरी दुनिया के विवादित क्षेत्रों में ऐसी शक्तियों को मजबूत करना जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। इस रणनीति के तहत पुतिन अमेरिका के खिलाफ दुनिया के कई देशों में वॉर फ्रंट खोल सकते हैं।
और वहीं दूसरी रणनीति के तहत पुतिन अरब क्षेत्र के सीरिया में रेजिस्टेंस फ्रंट को हथियार सप्लाई कर सकते हैं। यह संगठन अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता रहता है। सीरिया के साथ साथ इराक में कतैब हिजबुल्ला और असैब अहल अल हक को भी रूस के लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा सकते हैं। लेबनान से इसराइल पर हमले करने वाले हिजबुल्ला को भी रूस से मिसाइल सप्लाई हो सकती है। यमन से साउथ अफ्रीका तक हमले करने के लिए हूती को लॉन्ग रेंज हथियारों की जरूरत है और रूस इसे पूरा भी कर सकता है। नाटो देश तुर्की फ्रंट पर अमेरिका को उलझाने के लिए कुर्दिश गुटों को रूस हथियार भेज सकता है। नाइजीरिया में बोको हराम को रूस हथियार सप्लाई करके अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकता है और इसी तरह सोमालिया में अल शहाब संगठन को हथियार देकर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट बना सकता है। पुतिन की शक्ति आपूर्ति का मतलब होगा अरब और अफ्रीका में अमेरिका विरोधी संगठनों का मजबूत होना और अमेरिकी हितों पर हमले करना। पुतिन की रणनीति है अरब और अफ्रीका से अमेरिका को बाहर करना। अरब में इस वक्त अमेरिका बुरी तरह घिरा हुआ है। सीरिया में लगातार हमलों के बाद अमेरिका अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है और संकट अब बढ़ता जा रहा है। रूस के लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद हिजबुल्ला और होती पश्चिमी देशों पर बड़े हमले शुरू कर देंगे। पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों के लिए लाल सागर जल मार्ग पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के अरब ठिकानों पर भी होती और हिजबुल्ला बड़े हमले कर सकते हैं। इन हमलों के बाद अरब में भी अमेरिका अफगानिस्तान जैसी जंग में फंस सकता है और उसके लिए संकट बड़ा हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। पुतिन ने चीन के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेवी ड्रिल के बारे में कहा है कि ये भविष्य में भी जारी रहेंगे और एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर ये ड्रिल संकट बन जाएंगे। बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से इस वक्त मॉस्को के दौरे पर हैं। बोलिविया लैटिन अमेरिका का देश है। इस देश के साथ साथ रूस वेनेजुएला से भी बेहतर संबंध रखता है। यहाँ भी पुतिन हथियारों की तैनाती कर सकते हैं। ये अमेरिका के सिर पर परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। पुतिन अपनी व्यू रचना बनाने में जुटे हैं और अमेरिका रूसी बॉर्डर पर जंग की तैयारी में है। अमेरिका ने रूसी बॉर्डर से सटे देशों में 3 लाख जवानों की तैनाती कर दी है। नेटो देशों की आर्टिलरी युद्ध के लिए तैयार है। अगर रूसी जमीन पर नेटो के हमले शुरू होते हैं तो पुतिन का विश्व विनाशक परमाणु संबोधन हकीकत में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।